ऐसी चीजों का मिलना कोई आम बात नहीं है भोला। 20 साल पहले किसी को गांव में मिला था। ये सपनों को जिंदा करने की आदत होती है इसकी। बेहतर यही होगा कि इसे मैं अपने पास रख लूं। अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरा सपना जिंदा हो गया था। ये उल्लू, दो चेहरे वाला उल्लू। ये उल्लू तो आज सुबह एक अजनबी ने मुझे दिया था। दो चेहरे वाला उल्लू बड़ी मुश्किल से मिलता है। गहरी दीवारों के पीछे छुपा होता है। और क्या बताऊं इनकी कहानियां। खैर छोड़ो इन बातों को, उड़ान के जंगलों से पेड़ की छाल ले आओ अगर तुम्हें बौने पेड़ से बनी चाय का मजा लेना है तो। मगर बौने पेड़ तो वो तो हमारी छत में हो गए थे ना। हाँ, हमारी छत में एक उगा तो था। भोला जल्दी से जाओ, आजकल गांव का माहौल बहुत अजीब है, कुछ भी हो रहा है। माहौल बहुत अजीब है, ठीक है चाचा मैं चलता हूँ। सपने का पत्थर बड़ी अजीब सी चीज थी, लेकिन ये हमारे घर में है कैसे? लगता है गांव का माहौल सच में बहुत अजीब है। और मेरे दादाजी ने उस बड़े दानव के कान में कुछ कहा। ये गरुड़गढ़ गांव है ना। हाँ। मेरे दादाजी ने बनाया था। पर ये तो कई हजार सालों पुराना है ना। अरे हाँ बोल दे। हाँ इसकी वहाँ पे हाँ बोला कर, अपना दिमाग में जाएगा। सही कहा। अरे गोपू इसे क्या हुआ? अरे वो देखो भोला आ गया। भोला तो इतना खुश क्या हो रहा है? भोला आ गया, वो हमारा दोस्त नहीं। इतनी सुबह सुबह इस पुरानी झोपड़ी के नीचे तुम कर क्या रहे हो? उड़ान के जंगल जा रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह। ध्यान से जाना, जंगली भेड़िये मिल जाते हैं वहां। खूंखार जंगली भेड़िये। जंगली भेड़िये। उड़ान के जंगल में जा रहे हो? ये पुरानी फटी किताब, ये तो आधी अधूरी किताब है। इसमें तो कुछ दरवाजों के बारे में और कुछ घंटी के बारे में लिखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहां अकेला हूं। क्या हुआ चाचा, आप इतने घबराए हुए क्यों? ये देखिए मुझे क्या मिला। ये ठीक नहीं है बोला, ये ठीक नहीं है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ चाचा? मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो क्या बताना पड़ेगा? मगर नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। वो देखो तुम्हारी चारपाई में कोई है।
शॉप में भी कोई नहीं चाचा, वो चल रही है। जल्दी दरवाजे से बाहर निकलो। ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है चाचा? द्वारगढ़ पहाड़ों की वजह से। द्वारगढ़ की पहाड़? ये कौन से पहाड़ है चाचा? ये वो पहाड़ है जिन्हें भुला दिया गया था, जिन्हें कभी याद नहीं किया जाना चाहिए था। इन पहाड़ों में कुछ दरवाजे हैं जिनमें से एक किसी ने ढूंढ लिया है। लेकिन वो कौन था जिसने दरवाजा खोला? पता नहीं वो वहां तक कैसे पहुंचा। हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, सारे घर गांव छोड़कर जा रहे हैं। घर गांव छोड़कर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ चाचा? वो देखो उत्तर की पहाड़ी की दिशा, उन पहाड़ों के ऊपर से वो पुराने गांव की तरफ जा रहे हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। वो सारे घर जिंदा हो गए और गांव छोड़कर जा रहे हैं। बद्रीदत्त, तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है? मैं तो उत्तर की दिशा की तरफ जा रहा हूं, ये गांव बर्बाद होने वाला है। इसका मतलब हमें भी गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। बेटा लगता तो ऐसा ही है, घर गांव छोड़कर जा रहे हैं, ऐसी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। लेकिन मैं नहीं जा सकता चाचा। मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे। आपने ठीक सोचा, मैं उस दरवाजे को बंद करके आऊंगा। उस दरवाजे को बंद करना इतना आसान नहीं, गांव के 8 घरों के बराबर ऊंचा है वो दरवाजा। काफी ऊंचा है, ये नामुमकिन है। नामुमकिन? लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना। और तुम वो किए बगैर रह भी तो नहीं सकते। ठीक है बोला, तुम सफर पर जा सकते हो, आधे दिन का सफर है। ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, हरिया गोपू नागेश तुम तीनों भोला के साथ सफर पर जाओगे। तुम अकेले नहीं जाओगे, समझो मेरी बात को। ठीक है चाचा। चाचा मुझे लगता है चारपाई पीछे के दरवाजे से चली गई है, मैं अपना सामान ले लेता हूं। हम सफर पे जा रहे हैं, साथ में क्या क्या मिलेगा? अरे तुम्हें बताए द्वारगढ़ क्या है? अरे मौत का पहाड़ है, मौत का। एक काम करेंगे, बोलो को वहां अकेला छोड़कर हम पुराने गांव की तरफ निकल लेंगे। हरिया गोपू नागेश, आधे दिन का सफर है और हमें साथ में रहना होगा। चलो अब हम चलते हैं। चाची के पास जो दो मुंह वाला उल्लू है ना, वो कोई आम उल्लू नहीं है। कहा जाता है उसको द्वारगढ़ के पहाड़ों से लाया है। मैंने भी कभी उसे उड़ते हुए नहीं देखा। अरे उड़ेगा कैसे, उसके तो पंख ही नहीं है। वो उल्लू किसी अजनबी ने मेरे चाचा को दिया था, आज सुबह ही उन्होंने मुझे बताया। मुझे मालूम है, मुझे ही पता है। यहाँ पर भेड़िए आते हैं, मैं चल रहा हूँ। चलो हम अधूरी दीवार से नहीं जा सकते हैं।
बद्रीदेव चाचा ने मना किया है, वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। हम थोड़ी दीवार से ही जाएंगे, तुझे यहां रुकना है तो रुक। तुम्हें पता है दीवान सिंह की अंगीठी ने उसे निगल लिया। अंगीठी निगल गई? हाँ, कहा जाता है कि वो जिंदा हो गई। अरे ये दीवार मेरे दादाजी ने बनाई थी। नागेश, नागेश, यहां पर ज्यादा चीखो मत, यहां से अंधे उल्लू गुजरते हैं, अगर उन्होंने तुम्हारी आवाज सुनी तो वो यहां पर आ जाएंगे, तो चुप रहो। मैंने बोला था ना कि यहां पर चिल्लाना मत। चलो अब ऊपर आओ। ये देखो अधूरी दीवार का आखिरी छोर, लेकिन आगे का रास्ता मुझे नहीं पता है। ये तो बहुत पुरानी जगह है, कढ़ाई ताल। ये कढ़ाई ताल है, हमें सावधानी से चलना होगा। यहां पर मेरे पीछे आओ। क्या है ये? कोई पुरानी जगह है। ये क्या होता है? देखो सफेद तितली।
लेकिन इसे मैं बंद कैसे कर पाऊंगा? हाँ, वो अधूरी किताब, इसमें कुछ लिखा होगा। वो क्या है? ये तो रहस्यमय घंटी है। सपनों का पत्थर? लेकिन यहां तो सपनों का पत्थर नहीं है। इसका मतलब चाचा यहां पर आए थे और उन्होंने मुझसे झूठ बोला। अभी दरवाजा बंद करना है। दरवाजा तो बंद हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। बद्रीदा चाचा, मैं जानता हूं कि द्वारगढ़ का दरवाजा आप ही ने खोला था। मजबूर था, बोला ये सब मैंने नहीं किया। मजबूर तुम्हें वो अधूरी किताब कहां से मिली? कहां से मिली वो अधूरी किताब? आप मेरे चाचा नहीं हो सकते। मैं जानता हूं ये सब कुछ उल्लू ने किया है, और इसे भी आप द्वारगढ़ के पहाड़ों से लाए हैं, है ना? हाँ, ये द्वारगढ़ के पहाड़ों से है। नहीं, ये द्वारगढ़ के पहाड़ से नहीं, ये इससे आया है, सपनों के पत्थर से। नहीं, नहीं। और इसे इसी में भेजना होगा। पत्थर के अंदर जाओ, चाचा आप ठीक तो हो ना? बेटा मैं ठीक हूं, मुझे माफ कर देना भोला, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब इस पत्थर से आया था, ये मैं द्वारगढ़ के पहाड़ों से लाया था। हाँ, ये द्वारगढ़ के पहाड़ से आया है, इसे वहीं वहीं भेजना होगा। चाचा आप कमजोर लग रहे हो। ठीक है चाचा, मैं चाय बनाता हूँ। क्या उन पहाड़ों पर और भी दरवाजे हैं? हाँ बेटा, दरवाजे तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है 7 पहाड़ों में छिपे हुए 7 दरवाजे हैं, लेकिन क्या पता उसे कौन ढूंढे है?